भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा की तरफ से एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी भाजपा पर लगातार हमला बोल रही हैं। वहीं इस मामले को शांत करने के लिए भाजपा ने रविवार को पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को भाजपा से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर हुए विरोध के बाद बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती हैं। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर विवाद टिप्पणी के मामले में 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें पहली FIR मुंबई तो दूसरी पुणे के कोडवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। लेकिन आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर बरेली में भी पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों में रोष देखने को मिल रहा है और कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर दरगाहे आला हजरत की जमात रजाए मुस्तफा के मीडिया प्रभारी समरान खान ने कहा कि नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, पार्टी की तरफ से जो है उन्हें जो निकाला गया है ये अच्छी बात है, लेकिन नूपुर शर्मा का जो जुर्म है वो बहुत बड़ा जुर्म है। उसके लिए सिर्फ इतनी छोटी सी सज़ा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पार्टी से निकाले जाने से हम खुश नहीं होंगे, बल्कि हमारे संविधान के हिसाब से जो भी इसके लिए सख्त सख्त सज़ाएँ हैं वो सज़ा उसे मिलनी चाहिए। जब तक जो है ये गिरफ्तार नहीं होती है और इसके खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, हम जो है उस वक्त तक जो है संतुष्ट नहीं होंगे। हम हुकूमत से और प्रशासन से अब भी मांग यही करते हैं कि इन्होंने जो इतना बड़ा जुर्म किया है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो इनके खिलाफ़ जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ़ जो मुकदमा दायर किया गया FIR जो कराई गई है तो इन्हें जो है इन्हें जेल में डाला जाए और इसके खिलाफ़ और जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें जो है एक इबरतनाक जो है सज़ा दी जाए, ताकि जो और दूसरे लोग जो है फिर कभी ऐसा कदम ना उठा सकें। आज जैसा कि पता चला है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ़ कार्रवाई की गई है, जो जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, पार्टी ने तो नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी है। जो कानूनी कार्रवाई है वो अभी बाकी है। तमाम सामाजिक तमाम धार्मिक संगठनों की पहल से जो आवाज़ उठी थी, आज पार्टी ने तो उस फ़र्ज को अदा कर दिया है, पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो अभी तक अदा नहीं की गई है। मेरी हुकूमत हिंद से ये मांग है, जो नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में जो FIR हुई हैं, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो इनके खिलाफ कानूनी शिकंजा है वो कसा जाए और उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि नबी का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और नबी के गुस्ताखों की सज़ा जेल में है और कहीं नहीं है।